हेलो फ्रेंड्स, पांच का पंचनामा मतलब कि रीजनिंग के पांच क्वेश्चन का आज हम करने वाले हैं पंचनामा, वो भी ट्रिकी मेथड से। तो बढ़ते हैं फ्रेंड क्वेश्चन नंबर वन की तरफ। क्वेश्चन नंबर वन दे रखा है आपको धर्म, मस्जिद और मंदिर, और साइड में आपको दिखा रखे होंगे वेन डायग्राम कि ये कौन से तीनों उस वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग सेट हो जाते हैं। तो देखिएगा, धर्म एक बहुत बड़ी चीज़ है, काफ़ी तरीके के धर्म होते हैं और उनमें से दो ये धर्म है, तो एक बड़ा सर्किल तो धर्म का हो जाएगा। ठीक है, ये सर्किल जो है ये धर्म का हो गया। अब देखिए, मस्जिद और मंदिर दोनों अलग अलग धर्म है, तो इस गोले के अंदर ये दो एक अलग अलग धर्म हो जाएंगे। ये एक मंदिर का मान लीजिए और एक ये मस्जिद, तो इस तरीके का वेन डायग्राम आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर दो में आपको क्या दे रखा है, एक्स जेड से बड़ा है और वाई जेड से छोटा है। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए देखिए, जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन दे रहा है वैसे वैसे पुट करते जाइए। और पुट कैसे करेंगे, एक्स जेड से बड़ा है तो एक्स जो है ये एक्स है और ये जेड है और ये बड़ा है। ठीक है, न्यूज इस तरीके से आप मार्क बनाएंगे। आगे दे रखा है वाई जेड से छोटा है, तो भैया वाई इसके पीछे आ जाएगा, आ सकता है आराम से क्योंकि छोटा है। अब आपको दे रखा है जेड डब्ल्यू से बड़ा है और डब्ल्यू एक्स से छोटा है। ठीक है, जेड जो है वो डब्ल्यू से तो बड़ा है लेकिन एक्स से ये छोटा है, डब्ल्यू जो है एक्स से छोटा है। ठीक है, तो इसमें आपसे पूछा गया है कि सबसे बड़ा कौन सा है। देखिए, ये जो है जेड से तो बड़ा है डब्ल्यू लेकिन एक्स से छोटा है, और यहाँ अगर मैं इक्वेशन में देखूँ तो सबसे बड़ा आपको कौन दिख रहा है, एक्स ही दिख रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, एक्स हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर तीन आपको इस तरीके की सीरीज दे रखी है। ये सीरीज आपने कई बार पेपर्स में देखी होगी और बच्चे काफ़ी कन्फ्यूज होते हैं इसको करने में। तो देखिए, इसमें आपको करने के लिए सबसे ज़्यादा क्या जरूरी है, इसकी प्रैक्टिस कीजिए इस टाइप के क्वेश्चन की। दूसरा, इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं मैं बता देता हूँ। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले आप टोटली ये जितने भी सीरीज के अंदर अल्फ़ाबेट्स हैं इनको काउंट कर लीजिए कितने हैं ये। तो अगर काउंट करेंगे तो ये टोटल 15 निकलेंगे आपके। ठीक है, और 15 में या तो तीन तीन का पेयर बनेगा या पाँच पाँच का पेयर बनेगा। अगर मैं ऑप्शन का सहारा लूँ तो ऑप्शन नंबर सी की तरफ देखेंगे तो उसमें क्या है कि ये आपके पाँच पाँच के पेयर बनेंगे। ठीक है, और पाँच पाँच के पेयर में आपको नीचे सॉल्व कर, पहले पेयर को बता देता हूँ। पहला पेयर में आपके क्या रहा है, बी बी, और जो डैश है उसकी जगह क्या आएगा, सी, और ये ए एज इट इज आ जाएंगे। ठीक है, सेकंड पेयर की मैं बात करता हूँ, यहाँ बी दे रखा है और डैश, और सी में देखिए ऑप्शन में दे रखा है आपको बी। ठीक है, सी के बाद बी दे रखा है ऑप्शन में, और ये जो है ए ए एज इट इज आ जाएगा, सॉरी सी ए, तो ये वाला भी बन गया। थर्ड पेयर की मैं बात करूँ, यहाँ नीचे नोट डाउन कर देता हूँ, बी दे रखा है। अब आपको देखिए, दो पेयर देखने के बाद आसानी से समझ में आ रहा है कि तीसरे पेयर में क्या आएगा, बी के बाद तो बी आएगा, सी ए आपको दे ही रखा है। ठीक है, और लास्ट में क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा क्योंकि ए दो बार आ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी बी बी ए, और ये आपको सी ऑप्शन में दे रखा है। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर चार की तरफ। क्वेश्चन नंबर चार आपको मिसिंग नंबर का दे रखा है। तो फ्रेंड्स, मिसिंग नंबर में बहुत से बच्चे कन्फ्यूज होते हैं, खुद मैं भी कई बार कन्फ्यूज हो जाता हूँ, बट इसमें क्या है कि सपोर्ट लिया जाता है ऑप्शन का। ऑप्शन देखिए आपको यहाँ दे रखा है 66, 198, 594 और फिर क्वेश्चन मार्क, और ऑप्शन में आपको दे रखे हैं 22, 13, 11, 12। तो ऑप्शन सारे क्या हैं कि इनसे 66 से कम है, तो जाहिर सी बात है जो कम नंबर है वो इससे कुछ ना कुछ रिलेट हुआ है, या तो प्लस हुआ है या तो फिर गुणा हुआ है, तो वो चेक करने के लिए हमें इन दोनों का रिलेशन निकालना पड़ता है। ठीक है, अगर मैं 66 में 3 का गुणा करूँ तो 66 को अगर 3 से गुणा करेंगे तो ये 198 आएगा, 198 को भी मैं 3 से गुणा करूँ तो क्या आ जाएगा, 594। अब क्या मुझे यहाँ से गुणा करना चाहिए या फिर इसको इससे इसमें गुणा होगा। ऑप्शन में क्या है कि छोटे छोटे नंबर दे रखे हैं, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जो नंबर आएगा उसका गुणा इससे हुआ होगा, तो 66 में मैं अगर 3 का भाग दे दूँ तो कितना आ जाएगा आपके पास में, ये आ जाएगा आपके पास में 22। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर आपके पास में आंसर आ गया 22, और ये आपकी सीरीज पूरी बैठ गई कि यहाँ से गुणा 3 चलेंगे, फिर यहाँ से गुणा 3 और फिर यहाँ से गुणा 3। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर पाँच आपको एनालॉजी का दे रखा है। अब यहाँ पे 43 दे रखा है और फिर 57 दे रखा है और 111 दे रखा है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क पूछ लिया कि इसकी जगह पे क्या आएगा।
तो देखिए एनालॉजी क्लासिफिकेशन इस तरीके के क्वेश्चन में क्या मोस्ट ऑफ वर्ग और क्यूब इस तरीके का चीज़ चलता है। ठीक है, तो सबसे पहले वही चेक करेंगे 43 कौन से वर्ग के मतलब स्क्वायर के आसपास का है, तो ये 49 के पास का है और 49 किसका है, 7 का स्क्वायर। ठीक है, और डिफरेंस कितने का आ रहा है, 6 का आ रहा है, तो मैं माइनस 6 कर दूंगा। अब बात समझेगा, आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये जो 57 है या तो 49 के आसपास का है या तो 64 के आसपास का है। 49 का तो अपन ने ले लिया, 64 ले लेते हैं एक बार। ठीक है, और ये किसका स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है। अगर मैं 64 में से 7 माइनस करूं तो ये आपके पास में 57 आ जाता है। तो ये कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई जिसका स्क्वायर है उससे एक नंबर कम हमने घटाया। एक बार इस पर भी देख लेते हैं, ये 111 है, तो 111 किसके स्क्वायर के आसपास है, या तो 100 के या तो फिर 100 का या 121 का, या तो 10 का या 11 का, क्योंकि माइनस हुए तो इसलिए हम 11 का स्क्वायर लेंगे। 11 का स्क्वायर कितना है, 121। ठीक है, और 11 में से मैं अगर 10 लेस कर दूं तो कितना आ गया, 111। अब अगले में कितने का स्क्वायर आएगा, भाई यहाँ 7 का स्क्वायर था, यहाँ 8 का स्क्वायर आएगा, इसमें 11 का स्क्वायर है, तो अगले में कौन सा स्क्वायर आएगा, 12 का। यहाँ लिख देता हूँ मैं इसको, 12 का स्क्वायर कितना हो गया आपके, 144, और इसमें से लेस क्या करेंगे, इससे एक कम, 12 से एक कम कितना, 11। तो आंसर आपके पास में आ जाएगा 133।